हेलो फ्रेंड्स, मैं साधना आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल साधना सिंह ANM में। तो आप लोगों को मैं सिखाती हूँ आज राखी घर पे कैसे बनाएं सुंदर सी राखी। आज के राखी का कॉन्सेप्ट कुछ 15 अगस्त के ऊपर है, क्योंकि मैंने कलर वही चुने हैं जो हमारे फ्लैग में होते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि हम घर पे राखी कैसे बनाते हैं, तो बने रहिए मेरी वीडियो में कंटिन्यू। हम यहाँ पहले ऊन ली हुई है 3 कलर की, उनको महीन महीन से कैंची से काट लेंगे। आप लोग देख रहे हैं मैं कट कर रही हूँ अभी। ये जो पेपर आप लोग देख रहे हैं, मैंने इस पेपर को गोल काट के और इस पे ये 3 4 खाने बनाए हुए हैं, जिसमें हम ये ऊन गम की सहायता से चिपकाएंगे। आप लोग देख रहे हैं कैसे मैं यहाँ पे इस ऊन को लगा रही हूँ पेपर पे। पेपर थोड़ा मोटा होना चाहिए जिससे कि ख़राब ना हो जल्दी से। आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ ऊन को लगा रही हूँ पेपर पे। हम इसे अच्छे से लगाते हैं, लाइनें जो होती हैं, मैंने पेन से 4 खाने बनाए थे लाइनें करके, बस उन्हीं के अंदर अंदर लगाना होता है, क्योंकि और बाकी आगे और दूसरा कलर लगना होता है इस वजह से। यहाँ मैं बाहर ऊन कट कर रही हूँ अभी। दो कलर की ऊन मैं लगा चुकी हूँ। अब यहाँ दोनों खानों में मुझे वाइट ही ऊन लगानी है सफ़ेद कलर की। तो आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ लगा रही हूँ। हमें ध्यान रखना होता है कि ऊन दूसरे कलर की साइड ना जाए। हमारे देश के झंडे में भी 3 कलर होते हैं, तो वही मैंने कलर चूज किए हैं यहाँ पे राखी बनाने के लिए। यहाँ हम इसे अच्छी तरह ऊन को सेट कर देंगे, और यहाँ आप लोग देख सकते हैं मैंने ये बीच में लगाया है लाइनों से बना हुआ ये गोल चक्र जो हमारे झंडे में होता है, ये देखो आप लोग देख सकते हैं। अब हम यहाँ राखी को बांधने के लिए जो धागा होता है वो बनाएंगे। तो हमने यहाँ 3 कलर की ऊन ली हुई है, सफ़ेद और ऑरेंज कलर की, और एक है ग्रीन। आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ ऐसे कैसे बना रहे हैं। हमको यहाँ चोटी की तरह बनाना होता है, ये आप लोग देखेंगे।
मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगता है राखी बनाने में, अब लोग देख सकते हैं। को ऑलमोस्ट बन ही चुकी है डोरी हमारी जो हम राखी में लगाएंगे। अब हमें यहाँ पे इसमें गांठ लगानी होती है, तो मैंने लगा दी है, आप लोग भी लगा लेंगे। अब यहाँ देखना, ये जो उल्टी साइड होता है वहाँ गम लगा के हमको ऐसे राखी को दोनों साइड बराबर रख के और चिपकाना होता है, सेट करना होता है। तो आप लोग देख सकते हैं मैं वही कर रही हूँ। हमें ध्यान रखना है कि धागा दोनों साइड बराबर होना चाहिए और राखी जो हमने धागे पर लगाई है उसका भी हिस्सा दोनों साइड बराबर होना चाहिए। और हम यहाँ ऐसे देखेंगे आप लोग, ये पीछे से अलग से एक पेपर लेके और इस पर सेट करेंगे गम की हेल्प से, ताकि ये पीछे से निकले ना धागा। तो आप लोग देख सकते हैं राखी हमारी ऑलमोस्ट बन चुकी है। सो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हमारी राखी हो गई तैयार। थैंक यू, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग मैंने ये बनाई हुई है राखी अपने हाथों से, कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। मैंने इसमें अपने फ्लैग के कलर चूज किए हुए हैं, तो कैसी लग रही है प्लीज़ बताएं। और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैप्पी रक्षाबंधन मेरी तरफ से सभी को, बाय।